नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि भगवान बलराम ने जो वचन दे दिया है दुर्योधन और शकुनी मामा को, उसको सुनकर आश्चर्यचकित हो गए अर्जुन, क्योंकि अर्जुन ने ये कहा कि आपने मेरा पक्ष तो सुना ही नहीं, लेकिन भगवान बलराम ने कहा कि मैं 13 वर्षों से यही सुन रहा हूँ प्रकरण, सारे प्रकरणों को हर एक कोण से देख चुका और मुझे एक ही चीज समझ में आती है, वो ये कि यदि आपने अपने भाइयों को दांव पे लगाया तो किस तरीके से, किस अधिकार से लगा दिया, क्योंकि भाइयों पे अधिकार नहीं। मेरे दृष्टिकोण से तो वही गलत है, वही अन्याय, सबसे ज्यादा अधर्मी। अब प्रहलाद करने का कोई फायदा नहीं, इसलिए बलराम ने भी कह दिया, इसलिए भगवान बलराम ने कहा कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। इन सब चीजों को लेकर के अर्जुन बहुत हताश है और गए हैं सुभद्रा के पास, बैठे हैं उनके पास, कि सहसा वो बोल पड़ती हैं कि वासुदेव श्री कृष्ण को आप समझ नहीं पाए क्या, उनके किसी भी एक बात में एक बात होती ही नहीं, उन्हें शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं होती। और एक छोटा सा प्रकरण हमें दिखाया जाता है कि जो द्यूत सभा में हुआ था वैसा ही कुछ प्रकरण द्वारका में उनकी प्रजा भी कर रही होती। अब देखना यह है कि इस पर्टिकुलर सीन को दिखाने का रहस्य क्या है। चलिए चलते हैं एपिसोड 175 पार्ट 1। तुम्हें ज्ञान था कि द्वारका में यह सब हो रहा है? माधव, कुछ समय से ऐसा हो रहा है, मैंने रोकने का प्रयत्न किया किंतु द्वारका वासी बार बार अधर्म की ओर बह जाते हैं। नदी जब झरना बनती है तो उसकी गति और बढ़ जाती है, समाज भी जब अधर्म की ओर चलता है तो शीघ्र ही अधर्म में डूब जाता है। इस सब के लिए युधिष्ठिर दोषी है, उसने उस द्यूत सभा में अपनी पत्नी को दांव पर लगाया और अब समग्र आर्यावर्त में लोग उसी घृणित आचरण का अनुसरण कर रहे हैं। नहीं बड़े भैया, नहीं, दोष ना भ्राता युधिष्ठिर का है और ना ही भ्राता दुर्योधन का, दोष तो है उस धर्म का जो छल से बंध जाता है, छल के सामने अपने घुटने टेक देता है। वास्तव में वो परंपराओं का अंध अनुकरण है, धर्म तो है ही नहीं। अपना तात्पर्य स्पष्ट करो काल। मनुष्य जब अपने प्रण और प्रतिज्ञा पर अड़िग रहे तो वो उत्तम है ज्येष्ठ, किंतु क्या प्रत्येक परिस्थिति में अड़िग रहना उचित है? उस द्यूत सभा में भी यही हुआ। महामहिम भीष्म, गुरु द्रोण, महाज्ञानी विदुर और ज्येष्ठ भ्राता श्री युधिष्ठिर सब अपने अपने प्रण से बंधे रहे, परंपराओं का अंध अनुकरण करते रहे, अपने प्राण अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना ही उन्होंने धर्म माना। धर्म माना। यदि किसी एक ने भी अपना प्राण अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी होती, द्रौपदी के साथ इतना बड़ा अन्याय कभी नहीं होता। तुम्हारे कहने का अर्थ क्या है कान्हा? क्या प्रतिज्ञा पालन उचित नहीं? धर्म एक वृक्ष है ज्येष्ठ, प्रण और प्रतिज्ञा उसकी शाखाएं और वृक्ष की जड़ है करुणा। शाखाओं का महत्व अवश्य है किंतु जड़ जितना नहीं। यदि किसी की पीड़ा को रोकने के लिए प्रण तोड़ना भी पड़े तोड़ दो। तो वो उचित है, किंतु इस समय खंड में करुणा का नाश हो गया है समस्त आर्यवर्त में, समस्त जगत में। अपनी पीड़ा का मूल्य अपनों की पीड़ा से अधिक है और अपनों की पीड़ा का मूल्य समाज की पीड़ा से अधिक है। करुणा सूख गई है समाज में से। जब करुणा नहीं होती समाज में
तो लोग एक दूसरे से बंधते नहीं है ज्येष्ठ, केवल अपने सुख के लिए जीते। जो स्थिति आज द्वारका की है वही स्थिति समग्र आर्यवर्त की है। जड़ से छूटे वृक्ष की शाखाएं सूख कर लकड़ा बन जाती, ठीक वैसे ही आज के समय में धर्म निर्जीव बन गया है। धर्म में प्राण फूकने का समय आ गया है बड़े भैया। शंकरनाथ को एक बार फिर धर्म का ज्ञान देना होगा। द्वारिका में व्याप्त इस अधर्म को तो हमारा प्रशासन संभाल लेगा काना, परंतु मेरे समक्ष एक और बड़ी चिंता है, वो है समग्र आर्यावर्त में व्याप्त इस अधर्म के कारण कौरवों और पांडवों के बीच संभावित युद्ध। युद्ध तो अवश्य होगा दाऊ, समाज में जब करुणा का नाश हो जाए तो समाज स्वयं अपने लिए युद्ध निर्मित कर लेता है। कौरव तथा पांडव तो केवल निमित्त माध्यम है। नदी का तट होता है किंतु बाढ़ का कोई तट नहीं होता। इस युद्ध में हम भी तटस्थ नहीं रह सकते दाव, हमें किसी के पक्ष से युद्ध तो करना ही होगा। अपनी बात रख ही दिए। तुम सत्य कह रहे हो का, परंतु उतना ही बड़ा सत्य यह भी है कि जिस पक्ष में तुम चले जाओ वह पक्ष स्वयमेव धर्म का पक्ष हो जाएगा। अब सिद्ध करो कि मैं असत्य कह रहा हूं। मना तो लिए हैं, मैंने एक परीक्षा बाकी है। समय पे चोट करते हैं तुम, समय पे। ये क्या कर रहे हो पुत्र, किसके मस्तक काट रहे हो तुम? वो मस्तक आपका था। पुत्र अभिमन्यु, यदि तुम मेरा मस्तक काटोगे तो तुम्हारे तातश्री भीम क्रोधित हो जाएंगे, क्योंकि हमारे 100 भाइयों का वध करने का प्रण भीम ने ले रखा है। तातश्री भीम का है और अंगराज कर्ण को तुम्हारे पिता मारना चाहते हैं। तो मैं आपके पुत्रों का वध करूंगा ताची। पितामह धृतराष्ट्र का रक्त जिन जिन के शरीर में होगा भय भय कर भूमि में समाएगा। क्या एटीट्यूड है, क्या डायलॉग बोला यार। पितामह धृतराष्ट्र का रक्त जिन जिन के शरीर में होगा कोई डर नहीं, भय भय कर भूमि में समाएगा। क्या करना चाह रहे हैं? ये भी पेंट कर रहा है, आर्टिस्ट बन गया है, ये कला भी है। पुत्र अभिमन्यु, और भी दो मस्तक हैं जिन्हें तुम काट सकते हो,
पितामह के तो नहीं है? हाँ बता दो ना। ओ वासुदेव श्री कृष्ण। तुम्हारे मामा श्री कृष्ण और मामा श्री बलराम। इनको लग रहा है कि वो दोनों लोग हमारी तरफ से युद्ध करेंगे। नहीं, उन्होंने तो युद्ध करने से मना कर दिया किसी भी ओर से। नहीं, वो उन्होंने बोला पांडवों की तरफ से। तुम्हारे मामा श्री ने हमारे पक्ष का चुनाव किया है, काट पाओगे इनका मस्तक? वीर अभिमन्यु कुछ तो करने की सोच रहे हैं। जिस मटके में एक बार भी विष भरा गया हो उसे फोड़ दिया जाता है ताश्री दुर्योधन। ये क्या ट्विस्ट है? इस मटके में विष नहीं है। विष नहीं गया यानी बुराई नहीं गई, यानी बुराई पूरे पूरा पक्ष। कितना हंसते हैं भाई ये। कि डायलॉग ही यही है कि एक सब्सक्राइबर ने हमें लिख के अच्छे से बताया डायलॉग और दुर्योधन। प्रत्येक मनुष्य के भीतर धर्म और अधर्म नाम की दोनों संस्कार होते हैं। ये समय पे निर्भर करता है कि कौन सा मनुष्य किस वक्त किस संस्कार का इस्तेमाल करेगा। कहने का तात्पर्य कुछ इस प्रकार से है कि मान लीजिए आप अत्यंत पीड़ा में, आपके पास दरिद्रता सी आ गई, आप भूखे हैं और किसी दुकानदार के पास आप गए और कुछ खाने के लिए मांगा और उसने खाने के लिए आपको कुछ नहीं दिया। मांगना आपका कर्तव्य था, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि इस खाने के बिना शायद हो सकता है कि आपके ऊपर जो लोग आश्रित हैं उनको आप कुछ ना दे सके। आप वहां मेहनत करने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन आपके शरीर में इतना मांस और मज्जा नहीं बची है कि वहां पे आप कोई मेहनत कर सके। मजबूरी में आपने वहां से एक रोटी का टुकड़ा चुराया, तो क्या वो उस समय धर्म है या अधर्म? क्योंकि दुकानदार के मत से देखा जाए तो आपके शरीर में मज्जा नहीं है, आपके शरीर से हम कोई कार्य ले नहीं सकते, आपसे कोई कार्य करवा नहीं सकते। और रोटी का टुकड़ा मुद्रा से ही मिलना चाहिए क्योंकि वो उसका व्यापार है। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए? इसी दुविधा का निवारण निराकरण वासुदेव श्री कृष्ण ने लिया है। धर्म और अधर्म दोनों एक ही पल्ले में आके बच जाएंगे जब आप उसको करुणामय भाव से सोचेंगे। करुणामय भाव से यानी दुकानदार केवल इतना सोच लें कि शायद मेरे एक रोटी के टुकड़े से इनके अस्तित्व का नाश ना हो, या मनुष्य केवल इतना सोच ले कि काश मैं अगर रोटी चुरा लूंगा तो शायद मेरे धर्म का नाश हो जाएगा। तो जब करुणा आपके मन में व्याप्त हो जाएगी, वासुदेव श्री कृष्ण ने जिस प्रकार से इसको बताया है कि समग्र आर्यवर्त से करुणा सूख सी गई, तो वो समग्र आर्यवर्त अब कहीं और नहीं केवल हमारा हृदय ही रह गया है। आपके हृदय में करुणा अगर सूख गई है तो आप अधर्मी, अगर जीवित है तो आप धर्मी। अब इस करुणा का पाठ पढ़ाएंगे वासुदेव श्री कृष्ण, और किसी तरीके से उन्होंने भ्राता बलराम को ये चीज पे तो मना लिया है, मना कि तटस्थ होना पड़ेगा मुझे या हमें किसी एक और रह के युद्ध तो करना ही पड़ेगा। भगवान बलराम ने वासुदेव श्री कृष्ण से एक चीज तो आराम से पूछ ली कि भैया ये बता दो कि जिस पक्ष में तुम खड़े रहोगे धर्म तो सहसा उसी पक्ष में चला जाएगा, इस चीज को झुठला सको तो बताओ। खैर, इस चीज पे हम आगे देखेंगे वीडियो में, फिलहाल इस वीडियो को हम यही
समाप्त करते हैं, शीघ्र ही लौटेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।